श्रीलंका में महंगाई भीषण बढ़ी है और इसके बाद आम लोग बगावत पर उतर आए हैं। श्रीलंका में पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और चावल 500 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह दूध का पैकेट 800 रुपये किलो और चीनी 300 रुपये किलो बिक रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि कागज के नहीं होने की वजह से उत्तर पुस्तिकाओं की कमी हो गई है और परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। श्रीलंका बिजली की कटौती के भीषण संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में विपक्षी दल एकजुट होकर सड़क पर आ गए हैं और शासन चलाने के लिए सरकार को कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्फ्यू में भी लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्फ्यू का विरोध कर रहे 664 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैकड़ों छात्र छात्राएं श्रीलंका के कैंडी नामक शहर के पास जमा हुए थे, जिन्हें आंसू गैस के गोले से तितर बितर किया गया है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और इनके ही बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। लोग इन लोगों को सत्ता से हटा करके केयर टेकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के 24 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़कर श्रीलंका सरकार के एग्जीक्यूटिव सभी प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे रखा है। लोग अब तक इन दोनों भाइयों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और इनके छोटे भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। बासिल राजपक्षे आज के श्रीलंका संकट का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पुलिस ने विपक्ष के विधायकों को कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वाड की तरफ बढ़ने से रोक दिया है और इस जनतांत्रिक विरोध को रोक दिए जाने की घटना को विपक्ष ने गैर कानूनी कार्रवाई कहा है। आम जनता विपक्ष के साथ खड़ी है और यह लोग राजपक्षे परिवार के सदस्य द्वारा श्रीलंका के सभी प्रमुख पदों पर कब्जा करने का विरोध कर रहे हैं। जानते चले कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ में कैबिनेट के 3 मंत्री इसी परिवार के सदस्य हैं। आम जनता अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर और राष्ट्रगान गाते हुए सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। जनता का विरोध मुख्य रूप से जनतांत्रिक तरीके से चल रहा है। सरकार ने कर्फ्यू का सहारा जनतांत्रिक विरोध को रोकने के लिए किया है। सरकार के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। विरोध करने सड़कों पर उतर आए लोग इसके प्रति सावधान है कि श्रीलंका का जनतांत्रिक वातावरण बना रहे और फिलहाल केयर टेकर सरकार बना करके चुनाव करवाए जाएं। श्रीलंका की तरह ही भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी राजनीति के स्तर पर बहुत अधिक संकट से गुजर रहा है।